उसमें किस तरह से एक प्राइवेट नहीं होगा, आपसे छोड़ दीजिए, अब नहीं चलेगा भाई वो मेरा अभी दे देना। प्राइवेट एजेंसी को इन लोगों ने इम्तहान कंडक्ट करने का जिम्मा दे दिया है और वो प्राइवेट एजेंसी और अलग अलग छोटे छोटे सेंटर को ये काम सौंप देती है और वहाँ उन सेंटर्स में तरह तरह के धांधली होते हैं। एग्जाम पेपर पहले से आ जाता है तो लीकेज होता है, ये सब मुझे अच्छी तरह से पता है। ये आप लोगों के जज्बे को मैं सलाम करता हूँ कि आप लोगों ने इतना बड़ा इसको मुद्दा बना दिया कि सरकार को सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग कबूल करनी पड़ी। करना नहीं चाहते थे, जो आज राजनाथ सिंह का बयान आया है उन्होंने ये बोला है कि हमने सीबीआई की मांग कबूल कर ली है और हम इसमें सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, लेकिन अभी ये एग्जैक्ट जो ऑर्डर इश्यू किया गया है वो सामने नहीं आया है। इसलिए हमको अभी ये ठीक नहीं पता है कि सीबीआई क्या क्या चीज इन्वेस्टिगेट करेगी, क्योंकि जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जो चयन प्रक्रिया इन्होंने बनाई है कि एक प्राइवेट एजेंसी को सब कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, उसके बाद वो फिर और सब कॉन्ट्रैक्ट कर देती है वगैरह वगैरह, और उसमें जो प्रॉब्लम होती है ये इम्तहान से कंफाइन नहीं है। एक इम्तहान तो मैंने खुद ही डील किया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक इंक्वायरी ऑर्डर करी थी, लेकिन तो इसलिए इसका पूरा एक सिस्टमैटिक जांच होनी चाहिए। पूरा जिस तरह से ये पूरा धंधा चल रहा है सिलेक्शन का, इसके पूरे की सिस्टमिक जांच होनी चाहिए और ये जांच जो है ये बिल्कुल छोटे टाइम फ्रेम में होनी चाहिए। ये नहीं कि जैसे सीबीआई के कई इन्वेस्टिगेशन चलते हैं, इन्वेस्टिगेशन अगले 3-4-5 महीने में खत्म हो जाना चाहिए, सर 2 महीने ज्यादा से ज्यादा 4 महीने में खत्म हो जाना। दूसरी बात, अब अगर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसी तरीके से फिर से इम्तहान कराता रहा जब ये जांच चल रही है, तब तो फिर से यही धांधली होती रहेगी। इसलिए दोनों चीजों के लिए ये जरूरी है कि जब तक सीबीआई की जांच नहीं हो जाती और जल्दी हो जानी चाहिए, तब तक आगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा सिलेक्शन की प्रक्रिया में रोक लगा दिया जाए। जरूरी है कि सीबीआई की जांच तुरंत और बहुत जल्द हो जानी चाहिए और पूरे सिस्टमिक जो सिस्टमिक प्रॉब्लम है उसके बारे में जांच होनी चाहिए। ये जो पूरा सिस्टम बनाया है, ये प्राइवेट पार्टी एजेंसी को ये सब कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, उसके बाद वो लोग छोटे छोटे एग्जामिनेशन सेंटर्स को सब कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं और उसमें जो जो धांधलियां होती हैं, जिस जिस तरह से होती हैं, खास कर ये लीकेज का जो इशू है, चीटिंग लीकेज ये सारा जो इशू है, ये सारा इन्वेस्टिगेशन फटाफट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये नहीं ठीक होगा कि ये इन्वेस्टिगेशन सालों साल चलता रहे और तब तक कोई सिलेक्शन होए ना, उससे तो और लोगों का सभी लोगों का नुकसान होएगा। तो इसलिए ये बात ठीक है कि जांच को जल्द खत्म करवाने के लिए
सरकार और सीबीआई के ऊपर प्रेशर डालने के लिए और अभी जो बेईमानी चल रही है उसको रोकने के लिए ये जरूरी है कि जब तक ये सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन चलता है तब तक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा चयन की प्रक्रिया रोक दी जाए। लेकिन खासकर मैं आप लोगों के जज्बे को सलाम करना चाहता हूँ क्योंकि ये पहली बार हुआ है हिंदुस्तान में। देखिए एजिटेशन तो बहुत हुए हैं, जगह जगह हुए हैं, व्यापम के खिलाफ भी हुआ, लेकिन ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कि इतना स्पॉन्टेनियस एजिटेशन इतना पीसफुल तरीके से पूरे देश भर के स्टूडेंट्स ने जो कि इस बेईमानी और भ्रष्टाचार के शिकार हो गए हैं उन लोगों ने आकर एकदम पीसफुल तरीके से ऐसा जबरदस्त एजुकेशन किया जिससे कि सरकार को शिकस्त माननी पड़ी, सरकार को सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन मानना पड़ा। यही है कि इन्वेस्टिगेशन हम लोगों को ये ठीक है कि ये इन्वेस्टिगेशन पूरा होना चाहिए, लेकिन कम से कम सरकार ने इतना माना इसके मतलब आपकी एक बड़ी जीत हुई है, आपके एजुकेशन की एक बड़ी उपलब्धि हुई है। तो सलाम करता हूँ और मैं ये भी आपको आश्वासन देता हूँ कि इस लड़ाई में मैं आपके साथ हूँ। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की जरूरत पड़ी, जिस वजह से भी जरूरत पड़ी, मैं इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में जरूर ले जाऊंगा और आपके मुद्दों को वहां पर सीबीआई, क्योंकि सीबीआई देखिए एक सरकारी एजेंसी है और हम लोग जानते हैं कि सीबीआई किस तरह से सरकार के इशारों पर काम करती रही है। इसलिए अगर सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं होता हुआ दिखता है तब हम लोग सुप्रीम कोर्ट से यह मांग कर सकते हैं कि इस इन्वेस्टिगेशन की मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट करे और अपनी निगरानी में ये मेरी ये राय है कि एक तो आपकी बड़ी जीत हुई है, लेकिन दो आपकी मांगे और हैं जो सरकार को कबूल करनी चाहिए और तब तक आप लोग मेरी राय में डटे रहिए, अपनी दो चीजें। पहली बात तो आपकी एक बड़ी जीत हुई है, लेकिन ये जीत अधूरी है। ये जीत पूरी होने के लिए इन्वेस्टिगेशन का जो डिटेल है कि क्या सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी, पूरा सिस्टमिक प्रॉब्लम जो है उसको इन्वेस्टिगेट करेगी और दूसरा तब तक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का चयन प्रक्रिया पर विराम लगाया जाएगा, रोक लगाई जाएगी। दो डिमांड आपको सरकार को मंजूर करने चाहिए, जब वो मंजूर कर लेते हैं तो बिल्कुल आप लोग तुरंत उसके बाद अपना एजिटेशन विड्रॉ कर लीजिए, फिर हम लोग ये देखेंगे कि सीबीआई की जांच ठीक हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर हमें लगता है कि ठीक नहीं हो रही है तब इस मामले को हम लोग सुप्रीम कोर्ट ले जा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में ले इसको और अपनी मॉनिटरिंग में इन्वेस्टिगेशन करवाए। माता जी।